तो भाई लोग अक्षय कुमार की इस साल की पांचवी मूवी और लगातार दिवाली पर आने वाली चौथी मूवी राम सेतु का 2 मिनट 9 सेकंड का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। अब कैसा है ये ट्रेलर, चलिए बात करते हैं। अब देखो, वैसे तो ट्रेलर हमें ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ रिवील कर देता है। और इस ट्रेलर को देखकर इस मूवी के लिए कोई इतना ज़्यादा हाइप्ड भी नहीं हो सकता, लेकिन सच में ट्रेलर इतना बुरा भी नहीं था। मतलब इसे ना हम इतना ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, ना ही ज़्यादा बुरा। इट इज़ मीडियोकर। पर सच बताऊं तो मुझे लगता है चीज़ या तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए या बहुत ही बुरी, क्योंकि जो बीच में लटक जाती है वो कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, ना मुझे ना बाकी ऑडियंस को। और फिर भी इस ट्रेलर के कुछ रिएक्शन शॉट्स काफ़ी ठीक लगे, पर कुछ टीजर की ही तरह, जैसे वो सूट वाला जो सीन है। अब टीजर में देखने के बाद तो सभी लोग यही बोल रहे थे कि सूट ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल अभी कंपनी से निकाल कर लाए हों, लेकिन ट्रेलर में भी ऐसा ही लग रहा है। पर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सच में इसे अभी न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी निकाल कर लाए हैं और अब इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है। वैसे फिर भी ये इतना ज़्यादा क्लीन और क्लेसी टाइप लग रहा था कि इसे देखकर ये बिल्कुल भी रियल नहीं लगता। और ट्रेलर मूवी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें रिवील कर देता है जो हो सकता है कि स्पॉयलर्स हों। तो जो ये टाइम स्टैम्प तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक तुम वीडियो को स्किप कर सकते हो, या नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है वहाँ से भी तुम वीडियो को स्किप कर सकते हो। देखो यार, ट्रेलर हमें काफ़ी कुछ बताता है। जैसे ये पुल, मतलब राम सेतु, अभी इसलिए खतरे में है क्योंकि 3 दिन बाद ये तोड़वाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक याचना लगाई गई है कि हमें ये राम सेतु पुल तोड़ना है। पर क्योंकि ट्रेलर में ये साफ साफ कहा गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। अगर राम सेतु पुल तोड़ना है, इसका मतलब उसे पहले ही ढूंढ लिया गया है। और अगर उसे ढूंढ लिया गया है तो फिर अक्षय कुमार क्यों उसे फिर से ढूंढने जा रहे हैं? ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन हो सकती है या फिर मूवी की कोई मिस्टेक। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ श्रीलंकन आर्मी द्वारा फायरिंग भी की जा रही है और कुछ टेररिस्ट अटैक भी चल रहे हैं। मतलब कुछ बड़ी साजिश हो सकती है। एक आदमी जो हमें अक्षय कुमार के साथ लैब में दिखा था, वही हमें कुछ देर बाद, शायद तक अक्षय कुमार जो अपनी बोट पर आगे जा रहे हैं, उन्हीं पर फायरिंग करता हुआ नजर आता है। वैसे लैब से मुझे याद आया कि यार, लैब वाला सीन कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसके VFX में पिक्चर कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा जगह पर मार खा जाती है, क्योंकि जो वो लैब वाला सीन था वो इतनी क्लियर दिख रही थी लैब, उसे देखकर ही साफ साफ नज़र आ रहा था कि शायद पिक्चर की शूटिंग के लिए इसे बिल्कुल अभी से झाड़ू पोछा करके सेट किया गया है। अभी ये सीन तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो मूवी में हमें अंडर वाटर शॉट दिखाए गए हैं, जितने भी, मैं तारीफ करना चाहूँगा उन सब शॉट्स की, क्योंकि हमने आदि पुरुष में वो अंडर वाटर शॉट देखा है और उसे देखने के बाद इस सीन के लिए मेरी इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़ा खुलासा जो ट्रेलर लास्ट में कर देता है वो ये है कि अक्षय कुमार स्टोन या एक पत्थर लेकर निकलते हैं सी में से या समुद्र में से। मतलब उन्होंने डिस्कवर कर लिया है राम सेतु को। अब हो सकता है यहाँ मैं पूरी तरह गलत भी हूँ और इस मूवी के बारे में मैं पूरी तरह से गलत साबित होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मूवी एक अच्छी हिट हो, इसमें हमारे इमोशंस को ठेस ना पहुँचाई जाए, इसमें हमें हर चीज़ अच्छी दिखाई जाए जो हमारी माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करती है। बाय द वे, फिर से टॉपिक पर आते हैं। अब जहाँ अक्षय कुमार समुद्र में से वो पत्थर का टुकड़ा या एक पत्थर लेकर निकलते हैं, पहली बात तो देखने में ही वो लग रहा था कि ये पानी समुद्र का नहीं, किसी स्विमिंग पूल का है। मतलब यार, इतना क्लियर और इतना देखने में भी समुद्र नहीं लग रहा। खैर, फिर भी चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं चाहता हूँ पिक्चर मुझे गलत साबित करे और ये एक अच्छी पिक्चर निकले, फिर देखते हैं। अगर तुम्हें इसका ब्रेकडाउन चाहिए तो अभी चैनल पर कुछ देर बाद एक वीडियो आएगी, उसमें इस चैनल इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन होगा। और ये पिक्चर वैसे 25 अक्टूबर को आ रही है, दिवाली पर आने वाली अक्षय कुमार की ये शायद चौथी पिक्चर है। पिछले साल दिवाली पर सूर्यवंशी आई थी, मेरे मुंह से भी सूर्यवंशम निकलने वाला था। तो सूर्यवंशी जो एक अच्छी पिक्चर थी, उसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि यार बॉलीवुड की तरफ से कुछ तो हमें अच्छा देखने को मिले। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो अगर और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ओके, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो।